हेलो दोस्तों, डेली जॉब की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई जॉब का नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए। और हाँ, जॉब को नोटिफिकेशन के साथ साथ एक लर्निंग चैनल भी है जो कि इसमें प्रीवियस ईयर का और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ रहेगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम बेस। आज हम आपके लेके आए हुए हैं समीर कंपनी का कुछ जॉब नोटिफिकेशन जो कि आपको ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए है दिया गया है। और ये भारी मात्रा में निकला हुआ ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस का वैकेंसी, इसमें आपको फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों का ज़रूरत है। तो चलते हैं उसमें, देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या नहीं है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी जॉब का नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, इसमें है समी रिक्वायरमेंट 2022, ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस 17 पोस्ट है, जो इंटरव्यू डेट दिया गया है 18 मार्च को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नाम है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, इसको शॉर्ट में समीर बोला जाता है। तो चलते हैं इसका क्या है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.samir.government.in। पोस्ट है किस किस के लिए है, ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए है। जॉब लोकेशन आपका रहेगा मुंबई में, और आपका है इसमें देखिए, इसमें आपको कितना कितना मिलेगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिस कीजिएगा तो आपको 10,500 पर मंथ मिलेगा, और टेक्नीशियन अप्रेंटिस में 8,500 पर मंथ मिलेगा। और ग्रेजुएट अप्रेंटिस में क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बीई बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम मार्क्स होना चाहिए जो 55% होना चाहिए। यही है ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। अगर आते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए, इसमें आपको है मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विथ मिनिमम 55%। इसमें 55% कम से कम माना है, 55% से ज़्यादा हैं तो भी भर सकते हैं, लेकिन कम का नहीं भर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें एक नोट करके दिया हुआ है, द कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड विथ बोट, जैसे कि बोथ ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग मुंबई एंड आर विद इन 3 ईयर्स ऑफ पासिंग ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। इसका टोटल पोस्ट है 17 पोस्ट, टोटल पोस्ट है कितना, 17 पोस्ट है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस में है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन का 11 पोस्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 1 पोस्ट, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का और आईटी का 1 पोस्ट दिया हुआ है, जबकि डिप्लोमा अप्रेंटिस को दिया हुआ है 4 पोस्ट। इसका एज लिमिट है 25 ईयर, 25 साल तक ही, अगर 25 साल तक का ही हैं तो भी भर सकते हैं, इससे कम का भर सकते हैं, ज़्यादा का नहीं भर सकते हैं। और अप्रेंटिस तो जानते ही हैं हमेशा 1 साल का ही होता है, कहीं भी अप्रेंटिस हो तो अप्रेंटिस 1 साल का ही होता है। और देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, द कैंडिडेट नीड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड ब्रिंग अलॉन्ग विथ देम एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू के समय आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके लेकर आना है। दूसरा है, ऑल कैंडिडेट शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द कोविड प्रोटोकॉल, मतलब कोविड प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। देखिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो, अगर सिलेक्टेड हो जाते तो, उसमें आपका लगेगा डूली फिल एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो 10-12 का मार्कशीट लगेगा, एग्जाम पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, क्वालिफाइंग एग्जाम मार्क्स ऑन ऑल ईयर में लगेगा, अगर डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर तो 6 सेमेस्टर रहता है वो सारा को लेके जाना होगा। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, अगर कोई चीज़ में एक्सपीरियंस है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा, और बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ में जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, ऐसे जिसमें आपका बर्थ लिखा हुआ है। फिर फ़ोटो लगेगा, और हाँ, एक ज़रूरी है, अगर जेरोक्स किसी का नहीं लेके जाना होगा, एक सेट जेरोक्स चाहिए, और मतलब कि वहाँ पे जेरोक्स देने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट में।
इसका इंटरव्यू होगा 8 मार्च को, तो शुरुआत में बता दिए थे। इसका टाइमिंग टेबल 9:30 बजे से रहेगा इसका है, जहाँ पे रहेगा वहाँ पे इसका एड्रेस है, ठीक है, आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू। जो इन्फॉर्मेशन था वो तो बता दिए हैं, अब चलते हैं, अब अपना वीडियो का सेशन समाप्त करते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने खत्म विसर्जन पे, जो कि अगर हमारे एक बार फिर से कर देंगे, हमारे चैनल पर नए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है भाई।